अबाउट जीटी वर्सेस आरसीबी। खतरनाक टीमें दोनों भी हैं और आरसीबी के लिए चीज ये है कि वो जीतना उनके लिए जरूरी है और जीटी के लिए भी जीतना जरूरी है क्योंकि उनका भी एवरेज प्रदर्शन है। तो अभी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो ना जीते तो काम चल जाएगा, बिकॉज जिस प्रकार का उनका प्रदर्शन है उस हिसाब से उनको जीतना जरूरी है। कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो मुश्किल में नहीं फंसेंगे, और अगर कंटिन्यूटी खो दी तो फिर मुश्किल में फंस जाएंगे, ऐसा भी कहा जा सकता है। दूसरी ओर बात ये भी कि जो आरसीबी है उसने एक अच्छा कमबैक कर लिया है, एक ऐसी टीम को हरा के जो कि अपने आप में बहुत बड़ी 30 मार्का टीम थी। तो कमबैक को कंटिन्यू करना उनके लिए बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन्हें कमबैक के साथ साथ एक अच्छी स्ट्राइक रेट भी चाहिए होगी, क्योंकि उनके लिए मात्र जीत बड़ी बात नहीं है। उनके लिए जीत से बड़ी बात यह है कि वो किस तरह से इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि कहां तक ये चीज पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज तकलीफ इस बात की नहीं है कि आरसीबी ने इतने मैच हारे, तकलीफ ज्यादा इस बात की है कि आरसीबी ने जब जीतना शुरू किया तब देर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इतनी देर तो हो ही चुकी थी कम से कम कि आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला कार्य करने के लायक काम हो गया था। तो स्क्वाड में मेरे हिसाब से दोनों ही टीमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगी, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीटी भी कम से कम ये लिहाज जरूर रखे कि कम से कम वो मैच को जीतने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा परेशानियों में वो ना आए। तो स्क्वाड के लिहाज से हम देखते हैं, इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे स्क्वाड की, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। लिहाज आप कोई भी रखें, टाइटन की तरफ से शाह हैं जो कि बहुत ही अच्छा खेलते हैं, गिल हैं, फॉर्म उनका नज़र नहीं आया लेकिन जब खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, सुदर्शन चक्कर चक्कर लाने में कामयाब हो ही जाते हैं, खान साहब बहुत ही उम्दा पारी खेलते हैं, और किलर मिलर का तो जवाब है ही नहीं जहाँ तक पॉसिबल हो सके। किलर मिलर से तो बचकर रहा जाए तो अच्छी बात है। दूसरी ओर बॉलर्स की बात करें, ऑलराउंडर्स की बात करें तो अमरजाई एक अच्छे बॉलर के रूप में उभर सकते हैं, वैरियर ये भी एक अच्छे बॉलर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लिए जा सकते हैं, साई किशोर और आर खान बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अहमद हो गए, शर्मा जी हो गए, कहने का मतलब बॉलिंग भी इनके पास अच्छी है। कुल मिलाकर बात हम कर सकते हैं कि एक अच्छी टीम है इनके पास, एक ऐसी टीम है जो कि परफेक्ट रिदम ला सकती है, एक ऐसी टीम है जो कि वास्तव में ये दिखा सकती है कि वो कितना दमखम रखते हैं। बट देखना ये भी होगा कि कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये प्लेयर वास्तव में अच्छे हैं बट जब तक अच्छे नहीं कहा जा सकता, जब तक ये फॉर्म में नहीं आते। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी कि आरसीबी के पास तो विराट कोहली का बल्ला तो शुरू से ही चला है,
और डुप्लेसिस को भी काम करना पड़ेगा ये कह सकते हैं। जैक जो कि बहुत ही उम्दा फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, इन पिछले मैच के अंदर हमने देखा था। रजत पाटीदार की बात कर सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल की बात कर सकते हैं, कैमरन ग्रीन की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ विकेट कीपर जो कि दिनेश कार्तिक हैं, उनकी तो बहुत ही उम्दा फॉर्म, और यहाँ तक कि खुद यहाँ पे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के लिए भी कहा था कि धोनी को कन्वेंस करना बहुत मुश्किल है, बट दिनेश कार्तिक को कन्वेंस किया जा सकता है और उन्हें लिया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। करण शर्मा, मोहम्मद सिराज हो गए, यश दयाल, स्वप्न नील सिंह जो कि अच्छी बॉलिंग का नज़ारा दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं जो बात कह रहा था कि दोनों के पास ही एक डेंजर स्क्वाड है, चाहे वो आप बॉलिंग के नज़रिए से देखिए, चाहे वो आप बैटिंग के नज़रिए से देखिए, दोनों के पास विराट कोहली है। एक तरफ रियल विराट कोहली ही है और एक तरफ युवा विराट कोहली, एक तरफ किंग है तो एक तरफ प्रिंस है। अब किंग के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, ये तो छोटी सी बात है ही है, लेकिन प्रिंस एक नई जनरेशन होती है, उसके पास टेक्निक ज़्यादा होती हैं, बिकॉज नई जनरेशन सीखने में पिछले वाली जनरेशन से काफ़ी आगे होती है, ये हमेशा से देखा गया है। तो देखना यही रहेगा कि क्या नई जनरेशन है वो पुराने वाली जनरेशन से बहुत कुछ ज़्यादा कर सकती है या फिर अच्छा कर सकती है, कहने का मतलब। लेकिन दूसरी ओर ये भी ख्याल रखना चाहिए कि विराट कोहली जो कि इस आईपीएल सीज़न में उनसे ज़्यादा अच्छा फॉर्म किसी का नहीं है, कहने का मतलब ये भी कि जिस कदर उन्होंने रन बनाए हैं उनके आसपास भी कोई नहीं भटक रहा ऑरेंज कैप को लेकर, तो हम बखूबी ये बात कह सकते हैं कि हाँ वो एक ऐसे प्लेयर बनकर उभरे हैं जो कि हर किसी के पास ऐसा टैलेंट नहीं होता, ऐसी चीज़ें नहीं होती। परंतु उसके बावजूद अगर बात करी जाए यहाँ पे टोटल स्क्वाड की, तो टोटल स्क्वाड की तरफ से भी मैं कहूँगा कि आरसीबी इज़ द बेटर देन टाइटेनिक, बिकॉज उनका एवरेज प्रदर्शन है, और दूसरी ओर हाँ ज़रूर लो प्रदर्शन रहा है आरसीबी का, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने वापसी करी है, जिस अंदाज में उन्होंने दूसरा मैच जीता है, वो मैच कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनके पास कितनी काबिलियत है, उनके पास क्या चीज़ है जो कि वो सबसे अलग रखते हैं, सबसे बखूबी वो सबसे चांस लेने वाली चीज़ कहा जा सकता है। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस को अभी अगर फेयर खेलना है, बिना किसी चिंता के खेलना है, तो ये मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर ये कहीं ना कहीं मुश्किल के हालात बन जाएंगे, ये कहीं ना कहीं वो हालात बन जाएंगे जिसके ऊपर हमारा कोई वो कहते ना कि प्रेशर नहीं रहेगा, या फिर हमारा कोई बस नहीं चलेगा, जिससे कि आप आरसीबी की तरह बिछड़ जाएंगे और उसके बाद आपसे संभले जाएगा या फिर नहीं संभला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है। तो फाइनली बात कहीं पे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से ये तय है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप अपने आप को संभाले रखिए, और इसके साथ साथ ये भी कि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी मेंटेन रखिए जो कि वास्तव में होनी चाहिए। तो इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अगर कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।